हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप से डार्क सिल्वर एंड ब्रॉन्ज टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को करेंगे हम +42, एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो गाइस, सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -23, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -18, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसकी सेचुरेशन को यहाँ से करते हैं -10, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +15, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं -11, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस क्यों लेके जाएंगे, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -34, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन को यहाँ से करते हैं +80, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -30, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को माइनस क्यों लेके जाएंगे, तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -45, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस करेंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -34, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट में शैडोज का ऑप्शन, तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे, एंड अपनी फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को अपनी फोटो में हम परफेक्ट रूप से मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस इसकी ह्यू है 236 एंड सेचुरेशन है 16, एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को कर देंगे हम +100, एंड नेक्स्ट जाते हैं थर्ड वाला ऑप्शन पे, जो कि है हाइलाइट्स के ऑप्शन। तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से इसकी भी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसका भी ह्यू एंड सेचुरेशन को परफेक्ट रूप से मिलाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, इसकी ह्यू है 229 एंड सेचुरेशन है 20, एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी फोटो की परफेक्ट रूप से हम लाइट को सही करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +18, एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को भी माइनस करेंगे, तो हाईलाइट्स की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -25, एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, शैडोज की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +22, एंड यहाँ से वाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो इसे रखते हैं -15, एंड यहाँ से ब्लैक की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो गाइस हमारी फोटो की लाइटिंग है वो सही हो चुकी है। ठीक है, अब इस फोटो को और बेटर बनाएंगे, तो इसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे,
एंड यहाँ से टेक्सचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो टेक्सचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 11 एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 26 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो डीएच की वैल्यू को यहाँ से ज़्यादा नहीं प्लस 4 रखेंगे एंड यहाँ से विगनेट की वैल्यू को हम माइनस क्यू लेके जाएंगे, तो विगनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम माइनस 28 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी एंड यहाँ से मीट फंड की वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इससे रखेंगे हम प्लस 61। अब इस फोटो को हम थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इसे रखते हैं 21 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे, तो इसे रखते हैं 24 एंड यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन एंड इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो गाइस देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से, तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो चुकी है। तो गाइस अगर ये एडिटिंग आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव्ड डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।